तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टीबीआईटी स्टडी ऐप पे मैथ्स को कैसे कवर कराया जाएगा। वैसे मैंने सुना है मैथ्स सबको बहुत टफ लगता है, पर मुझे पता नहीं क्यों मैथ्स आसान लगता है। मैथ्स सच में आसान है, लोग उसको टफ बना दिए हैं। एक्चुअली हमें पढ़ना ऐसे होता है कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो बस कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो। मैथ्स में एक अच्छी बात ये है कि हमें कोई चीज़ याद नहीं करना, सब चीज़ को बस एक बार समझ लेना है, वैल्यूज दिया ही रहता है, उसमें बस पुट करता है और आंसर आ जाएगा। और एक अच्छी बात यह भी है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें मैथ सॉल्व करना तो और इजी होता है। कई बार आप ऑप्शंस में वैल्यू डाल दीजिए तो आंसर आपका निकल आता है। चलिए, वैसे मैं आपको इस वीडियो में ओवरव्यू देने वाला हूँ क्लास 9th और 10th के सिलेबस का, जो आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्लास 9th का सिलेबस है नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो वहीं पे क्लास 10th का सिलेबस है नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्लास 9th और 10th का सिलेबस काफी हद तक सिमिलर है। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि जब 9th में हमने पढ़ लिया तो 10th में फिर से क्यों वही पढ़ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 9th में आपको बेसिक्स पढ़ाया जाएगा और वहीं 10th में उस टॉपिक को एडवांस लेवल तक कवर किया जाएगा। और 9th में जो चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे आपके 10th में यूज होंगे, तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 9th पहले अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, उसके बाद 10th के टॉपिक्स पे आए। अब नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम आप 8th तक ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो नंबर सिस्टम में यहाँ पर कुछ कुछ नया टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ के जो टफ टॉपिक होंगे उसको मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूँ। आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे, कैसे उसको इजीली समझेंगे। अच्छा, 9th में जो नंबर सिस्टम है 10th में भी नंबर सिस्टम है, तो डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ एक दो नए टॉपिक्स आ जाएंगे। जैसा आप एलजेब्रा में देख रहे हैं सेम चीज 9th और 10th में है। जैसे यहाँ पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कवर किया जाएगा, तो 10th में भी आपको ये दो टॉपिक तो पढ़ना ही रहेगा, उसके बाद दो एक्स्ट्रा टॉपिक फर्दर ऐड हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप मेरी बात जरूर मानिएगा कि ये जो 10th के दो चैप्टर्स हैं ये सबसे हलवा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस फॉर्मूला में वैल्यू रखिए और आंसर आपका एक बार में निकल आता है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इधर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो दोनों में आपको अच्छे से कवर करा दिया जाएगा ताकि आपको आगे किसी भी कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ज्योमेट्री इधर भी है, यहां भी ज्योमेट्री है। हाँ, 10th में आपको एक प्योरली न्यू चैप्टर मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो अब नाम सुन के आप डरिएगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी मैथ्स की इनमें से ही एक अलग ब्रांच है जिसमें हम एंगल्स और उनका रिलेशन पढ़ते हैं, तो ये भी आपको बहुत आसान तरीके से कवर किया जाएगा। और 10th की जो ट्रिगो बहुत आसान है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिगो सेम होता है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 10th की ट्रिगो बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस गिने चुने 5-6 फॉर्मूले हैं, उसमें वैल्यूज पुट करिए, उसको सॉल्व करिए और आंसर आपका एक बार में आ जाएगा। तो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से फॉर श्योर क्वेश्चन आना ही आना है। फिर बचा मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन जो आप 9th में कवर करेंगे उसमें आप सरफेस एरिया कवर करेंगे, वॉल्यूम कवर करेंगे, तो वही चीज 10th में भी होगा, लेकिन बस 10th में आपको हो सकता है दो डायग्राम दे दे, तीन डायग्राम दे दे और उसका कंबाइंड क्वेश्चन दे दे, उसको थोड़ा घुमा के दे दे, तो घुमाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भाई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस लेवल तक क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब आप डरिए नहीं, उस लेवल तक कॉन्सेप्ट क्लियर हम कराएंगे, टीबीआईटी स्टडी ऐप आपका कराएगा। फिर लास्ट आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे भी फॉर श्योर क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक है। तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 9th और 10th के सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, सीक्वेंस में देखिए, प्रॉपरली रिवाइज करिए, क्वेश्चंस उस पर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो
तो आपको जितना आता है आप तो उतना करेंगे, बाकी जो नहीं आता उसको भी आप ट्राई करेंगे करने को, और हो सकता है उसमें से भी कई सारे सही हो जाएं। मगर अगर आप में अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको जो आता होगा वो भी आप गलत करके आ जाएंगे, घबरा जाएंगे, एमसीक्यू में आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही है, आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 9th और 10th की मैथ्स आप आराम से करिए, अच्छे से करिए, सारे वीडियो लेक्चर्स को आराम से देखिएगा, समझ समझ के करिएगा, लिख के प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, जैसा कि मैं आपको मैथ्स का बता रहा हूँ तो मैथ्स में सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं बस फोन से पढ़ के पास कर लूंगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बीट कर लूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।